नमस्ते दोस्तों, मैं सूर्य आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल एसजेड ड्रीम टीम पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको देने जा रहा हूं एक ड्रीम टीम जिससे बहुत सारा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो 29th क्वालिफायर मैच खेला जाएगा कनाडा वर्सेस हांगकांग के बीच, उस मैच के बारे में पूरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। दोनों टीम का जो कि पॉसिबल 11 या फिर जो कि पिच रिपोर्ट या फिर वेदर फोरकास्ट या फिर जो टॉप पिक्स रहने वाला है, जबकि ड्रीम में टीम में कौन कौन को शामिल करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक देखते रहिए, आशा करता हूँ पूरा जानकारी दे के ही जाऊँगा। तो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले ही बता दूँ कि कोई भी फेक टीम्स यहाँ पर अपलोड नहीं होते। जो मुझे जानते हैं तो वो पहले से ही सुन चुके होंगे और जो नए हैं तो उनके लिए यह था। तो चलिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल में ज़रूर क्लिक करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ले चलते हैं मेरे नोटपैड सेक्शन पे, जहाँ पर मैंने इस मैच के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए आइए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे नोटपैड सेक्शन पर और यहाँ पर आप देख ही रहे जो कि कनाडा वर्सेस हांगकांग के बीच 29th क्वालिफायर मैच, जहाँ पर टाइटल पर लिखा गया। मैच डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, जो कि थर्सडे 24th ऑफ अक्टूबर 3:40 से इंडियन टाइम अनुसार ये मैच स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो कि वेन्यू कौन सा होगा, शेख जायद स्टेडियम नर्सरी 1 अबू धाबी में मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पर जो कि मैच प्लेट, यहाँ पर जो कि दोनों टीम के बीच हेड टू हेड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, दोनों टीमों ने दो मैच खेला है, एक बार कनाडा एक बार हांगकांग का, हांगकांग ने जीता है। तो चलिए आगे बढ़ते, करेंट फॉर्म के हिसाब से थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, कनाडा पिछले 5 मैच कंटिन्यूसली जीत के आए और जो कि हांगकांग पिछले 5 मैच कंटिन्यूसली हार के आया। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। तो कनाडा का फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है, हांगकांग का कुछ खास नहीं, लेकिन जीत सकते, नामुमकिन कुछ भी नहीं है तो जीत भी सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रेडिक्शन कह रहा है जो कि कनाडा का जीतने का चांसेस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो कि वकास बरकत जो कि यहाँ पर प्लेइंग 11 के बारे में बता रहा हूँ, तो वकास बरकत, एजाज खान हांगकांग के लिए खेलने वाले, निजाकत खान, किंचित शाह, स्कॉट मैकेचनी विकेट कीपिंग करने वाले, सिमनदीप सिंह जो कि एहसान खान अच्छे खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, जो कि राग कपूर, काइल क्रिस्टी अभी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कि निजाकत खान, किंचित शाह, ऐजस खान और जो कि यहाँ पर वकास बरकत, ये सभी बहुत ही अभी अच्छे खेल रहे हैं, जो पिछले मैच में भी अच्छे खेल रहे थे, ठीक है, जो कि हारून अरशद, ये सभी प्लेयर्स खेलने वाले एचके के लिए, हांगकांग के लिए। और जो कि कनाडा का पॉसिबल 11 के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ, ये रिजवान चीमा, नवनीत धलीवाल बहुत ही बढ़िया जेनुइन प्लेयर्स है, जो साथ ही साथ कैप्टनसी भी करने वाले, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स में से इनको माना जाता है। नीतीश कुमार अच्छे प्लेयर्स है, निकोलस कीर्तन उतना बढ़िया नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, रविंदर पाल सिंह ये भी बहुत ही बढ़िया है, सादविन जफर, हमजा तारिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर में से एक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया खेलते, अच्छा स्ट्राइक रेट भी है इनका, बहुत अटैकिंग खेलते, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और यहाँ पर जो कि हेलीगर, डिलन हेलीगर, ये भी बहुत ही बढ़िया, अभी बहुत ही बढ़िया खेल रहे, साथ ही साथ बैटिंग बॉलिंग दोनों में से कमाल कर रहे हैं। और जो कि निखिल दत्ता भी वही चीज़, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत ही बढ़िया खेल रहे, रमेश इरांगा अच्छी बॉलिंग कर रहे, जेरमी गॉर्डन, ये गॉर्डन भी बहुत ही बढ़िया अभी खेल रहे। तो इसके साथ ही मेरा हो गया अभी, तो यहाँ पर जो कि कनाडा का प्लेइंग 11 के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया और जो कि हांगकांग के टॉप पिक्स के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ, कि अय्यस खान, निजाकत खान जो कि मैं कह रहा था, किंचित शाह, काइल क्रिस्टी जो कि अच्छे बॉलिंग कर रहे, किंचित शाह बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छे करते, अच्छे फॉर्म में भी है लेकिन पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। तो चलिए आगे बढ़ते, जो कि कनाडा का टॉप पिक्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, जो कि यहाँ पर नवनीत धलीवाल जो कि कैप्टन है, हमजा तारिक, डिलन हेलीगर और जो कि निखिल दत्ता है, तो जानते ही बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर है, तो ये सभी प्लेयर्स कनाडा के लिए सबसे बढ़िया पिकिंग्स हो सकता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे चुका हूँ, तो चलिए अभी चलते हैं मेरे ड्रीम इलेवन ऐप्स के अंदर, जहाँ पर मैं अभी आप लोगों के लिए टीम क्रिएट करने वाला हूँ, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी चूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए आइए, आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे ड्रीम इलेवन के अंदर, और आप देख ही रहे कि मैं विकेट कीपर सेक्शन पे हूँ। तो हमजा तारिक जो कि कैप्टन है कनाडा की तरफ से विकेट कीपिंग करने वाले, और एस मैकिचनी जो कि एचके की तरफ से विकेट कीपिंग करने वाले। तो हांगकॉन्ग का विकेट कीपर उतना बढ़िया फॉर्म में अभी नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं हमजा तारिक के साथ जाऊँगा। यहाँ पर जो कि बैटिंग सेक्शन पर, यहाँ पर सबसे बढ़िया प्लेयर जो कि धालीवाल निजाकत खान, जो कि ये तो खेलने वाले नहीं है। आर्चिमा भी उतने बढ़िया नहीं परफॉर्मेंस कर रहे, तो इन दोनों के साथ मैं जाऊंगा। और साथ ही साथ आर थॉमस, एक छोटा सा नाम, अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी, तो इनके साथ मैं जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो किंचित सा इनको मैं लूँगा, और यहाँ पर जो कि एजाज खान और निखिल कुमार, ये सभी प्लेयर्स के साथ मैं जाऊँगा। इन तीन बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है इन तीनों। तो यहाँ पर जो कि बॉलिंग सेक्शन पर अभी मैं जाऊँगा, यहाँ पर जो कि जे सिद्दीकी, यहाँ पर जो कि उतना बढ़िया परफॉर्मेंस अभी कर नहीं रहे। एहसान खान भी बढ़िया नहीं कर रहे, अगर जिल खेल रहे तो आप इनको ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि हेलीगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, यहाँ पर एन दत्ता भी उतना बढ़िया नहीं कर रहे, तो मैं सबसे यहाँ पर जो कि डी हेलीगर के साथ मैं जाऊँगा। और यहाँ पर जो कि गॉर्डन सबसे बढ़िया, बिन जफर भी सबसे बढ़िया, और जो काइल क्रिस्टी हांगकॉन्ग की तरफ से एक ही बॉलर जो अभी तक सबसे बढ़िया फॉर्म है, तो इन तीनों के साथ मैं जाना चाहूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और आप लोगों को कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करके देते हैं। तो यहाँ पर जो कि एन धालीवाल, ये जो कि निजाकत खान, आर थॉमस, अच्छे अच्छे प्लेयर्स है हमजा तारिक, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप लोग एकदम सेफ जाइए, निखिल कुमार के साथ कैप्टेंसी में जाइए, और जो कि यहाँ पर किंचित सा को वाइस कैप्टेंसी दे दीजिए, सबसे बढ़िया रहने वाला है ये वाला कॉम्बिनेशन। तो चलिए इससे आप सेफ भी रहेंगे और स्मॉल लीग में ज़रूर जीतेंगे मेरे मानिए तो, एकदम कुछ इधर उधर भी हो गया ना तो इस टीम से आप पक्का जीतेंगे। चलिए टीम प्रीव्यू करते हैं, और यहाँ पर आप पॉज करके देख भी सकते हैं, लेकिन मैं कह दूँ मेरा बात जो कि आप जानते ही है इसके बाद क्या करना है। इतने देर देखे और बहुत सारे लोग अभी सब्सक्राइब भी कर चुके, तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और जो अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ इतने देर देखने के बाद अच्छा तो ज़रूर लगेगा, भाई बहुत ही मेहनत करके बनाता है, तो आप लोगों को प्रॉफिट दिलाने के लिए मैं बनाता हूँ। तो अगर प्रॉफिट हुआ, कुछ भी अच्छा लगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लाल बटन पर अपना उंगलियों को निशान दे के जाइए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल में क्लिक करना मत भूलना। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।